एक दूसरे को खिला दो, एक एक लड्डू पकड़ के प्लीज 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 दीदी टच कर दीजिए सिर्फ एक दूसरे के साथ एक साथ एक साथ लड्डू नजर नहीं आ रहा श्रुति लड्डू नजर नहीं आ रहा हाँ और फेस पे दीजिए उनके मुंह पे हाँ कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं तो आप उनको इंस्पायर करें और जो हमारे यहाँ के कैंपस का माहौल है उसमें बच्चे ये लड़कियाँ खास तौर से बहुत सेफ और एक्सक्लूसिवली वो बस पढ़ाई में लगी हुई है कोई खर्चा नहीं है उनका कोई ऐसे नहीं है कि कोई प्राइवेट जगह से कोचिंग ले रही है वो लोग आती हैं उस दिन से हम उनको इंस्पायर करना शुरू करते हैं और वो इंस्पिरेशन खाली टीचर और जवानी बोल के नहीं करते लोगों को बुला के लाते हैं जो पहले सेलेक्ट हुए ये सारे बच्चे लौट के जाते हैं और उनके सामने अपना एग्जाम्पल रखते हैं और बढ़िया से बढ़िया उनके लिए टेस्ट हम खरीदते हैं बाहर जहाँ जहाँ से प्राइवेट कोचिंग करते हैं कराते हैं मॉक टेस्ट बहुत सारे होते हैं और मॉक इंटरव्यूज होते हैं अभी ये सिंकिंग ही नहीं कर रहे बहुत सारे लोग हैं लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू कम्प्लीटली सिंक इन बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस ये बताइए स्ट्रैटेजी क्या कुछ थी आपकी कितने घंटे पढ़ाई करते थे क्योंकि जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो टॉप करते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है स्ट्रैटेजी तो वही है जो लोग बोलते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखना उसके बाद मैंने खुद के अपने नोट्स में बनाती थी न्यूज़पेपर से अपने ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बनाए थे आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया था जिससे थोड़ा एक बेटर प्रेजेंटेशन हो मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए तो दैट इज आई थिंक व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया फ्रेंड्स इनसे कितना कनेक्शन था क्या बातचीत होती थी या फिर सब कुछ कटअप हो गया था सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया गया था नहीं मेरी फ्रेंड से भी बात होती थी सोशल मीडिया पर भी मैं थी बट बैलेंस तरीके से ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन बट कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं किया था बट आई ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग कौन से डिपार्टमेंट में अब जाना चाहेंगी और कौन सा कैडर आप चाहती हैं फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यूपी कैडर ही है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है तो उसी में मैं काम करना चाहूँगी यूपी क्योंकि आप दिल्ली बेस्ड हैं तो दिल्ली बेस्ड में पेरेंट्स भी यूपी से हैं दादा दादी का घर भी वहाँ पर था तो हमेशा आना जाना तो लगा रहता ही है हमारा यूपी में पापा भी अभी एक छोटा स्कूल है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं काम करना चाहूंगी आपकी नानी ने मुझे बताया कि आपकी मदर भी जाना चाहती थी आईएएस बनना चाहती थी लेकिन सर्कमस्टांसेस तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी हाँ जी हाँ तो मेरी मदर सिंगल चाइल्ड थी